हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 10th of Jan। बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक को लेकर मार्केट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आज की तारीख में यस बैंक के बोर्ड की मीटिंग थी, जहाँ पर देखेगा यस बैंक जो है वो 10,000 करोड़ रुपये जुटाएगा। देखेगा मिक्स ऑफ इक्विटी के थ्रू, डेप्थ के थ्रू, और देखेगा यहाँ पर जो बहुत सारे अटकलें लग रहे थे इरविन सिंह जी को लेकर, जिन्होंने देखेगा तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर के लगभग इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रपोजल दिया था, उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। लेकिन यहां पर 500 मिलियन डॉलर के लगभग जो सिटेक्स ने अपना प्रपोजल दिया था, उसको देखेगा अभी बोर्ड जो है वो देख रहा है। और देखिए, जो पैसा जुटाया जाएगा वो देखिएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के थ्रू जुटाया जा सकता है, देखिएगा GDR के थ्रू, और देखिएगा ADR के थ्रू, या फिर देखिएगा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू, या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, यानी कि कई सारी तरीकों से पैसा जुटाने की कोशिश की जा सकती है। जिस भी तरीके से पैसा जुटाया जा सकेगा, उससे देखेगा यस बैंक पैसा जुटाने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक और बड़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि यस बैंक के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि उत्तम प्रकाश अग्रवाल हैं, उन्होंने रिजाइन किया है। अब इनके रिजाइन के साथ बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर अपने रेजिग्नेशन लेटर में यह कहा है कि गिल साहब जो है वो मिसलीड कर रहे हैं सारे के सारे इन्वेस्टर्स को, इस तरीके की बात इन्होंने बोल दी है। लेकिन दूसरा पक्ष भी आपको समझना है, यस बैंक का जो मैनेजमेंट है, देखिएगा वो रिव्यू कर रहा था अग्रवाल साहब के फिट एंड प्रॉपर स्टेटस को, क्योंकि इनके खिलाफ भी देखिएगा कुछ एक एलिगेशंस लगी हुई थी, तो दोनों ही लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, तो यहां पर निष्कर्ष निकालना अपने आप में काफी मुश्किल है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने क्या कुछ चीजें बोली हैं। अब यहां आप देख पाएंगे कि इन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि गिल साहब ने देखिएगा मिसलीड किया है कैपिटल रेजिंग को लेकर। इन्होंने ये भी कहा है कि देखिएगा कोई भी बाइंडिंग ऑफर मौजूद नहीं था। ये भी कह रहे हैं कि कोई एक कंपनी थी जिसने एक बाइंडिंग एक ऑफर दिया था, जिसकी देखिएगा जो शेयर कैपिटल है वो कुछ 100 पाउंड के लगभग है। इस तरीके की बातें इन्होंने बोली हैं, और भी कई चीजें उन्होंने देखिएगा इस आर्टिकल में अंदर बोली हैं, जो पूरे तौर पर आपको एलिगेशन के तौर पर ही दिखाई देंगी गिल साहब के थ्रू या यस बैंक के मैनेजमेंट पर भी। ये कहते हैं कि देखिएगा बोर्ड की बिल्कुल भी नहीं चलती थी यस बैंक में, सिर्फ मैनेजमेंट रूल कर रहा था, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो जो सीईओ हैं यस बैंक के रवनीत गिल, उनकी ही चल रही थी। इस तरीके की बातें इन्होंने बोली हैं, जिसके कारण देखेगा इन्होंने रिजाइन दिया है। लेकिन यहां पर दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि इनका फिट एंड प्रॉपर का स्टेटस भी रिव्यू किया जा रहा था, क्योंकि इनके खिलाफ एक एलिगेशंस भी लगी हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने पक्ष में अग्रवाल साहब ने कहा है कि देखिए उनको शेयर होल्डर्स ने यह जगह दी थी। हालांकि देखिएगा शेयर होल्डर्स ने किस तरीके से उनको ये पोजीशन दी थी वो भी देखिएगा मार्केट इस सब बातों को जानता है। तो यहां पर देखिए आपको चीजों को समझना है, इतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है इनके रेजिग्नेशन को। हालांकि देखिएगा इनके ऊपर जिस तरीके के केस चल रहे थे वो भी आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और देखिए यहां पर एक और न्यूज मौजूद है, जो कि देखिएगा मॉर्गन स्टैनली के थ्रू है। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने जो अपना पहला टारगेट दिया था, अब उससे देखिएगा दूसरा इसने अपना एक टारगेट दे दिया है, क्योंकि ये कह रहा है कि यस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो देखिएगा लगातार कमजोर हो रही है, जो किसी से छुपी नहीं है। तो देखिए इन्होंने जो टारगेट बता रहे हैं मॉर्गन स्टैनली, वो 25 रुपए के लगभग है। हालांकि देखिए ये कहते हैं कि देखिए यस बैंक अब जो पैसा जुटाएगा वो तकरीबन 45 रुपए पर शेयर पर ही जुटा पाएगा, और देखिएगा वो उसकी देखिएगा ये जो अब चल रही है यानी कि जो प्रेजेंटली इसकी वैल्यू है, जहां पर देखिए सबसे ज्यादा यस बैंक मजबूत देखने के लिए हमको मिलता है। अगर आप आज की तारीख में भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए तकरीबन 5% के लगभग हमको गिरावट देखने के लिए मिली है, और यहाँ अब जो देखने वाली बात है वो यहाँ पर आपको मिलेगी कि देखिए जो क्वांटिटी हमारी ट्रेड हुई है वो आप देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पर, कि देखिए 30 करोड़ से ज़्यादा की क्वांटिटी देखेगा यहाँ पर ट्रेड हुई है, और देखिएगा 3,84,00,000 से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो डिलीवर हुई है, जो कि 12.70% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज रखती हैं। यानी कि आज की तारीख में न्यूज़ बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रेड हुई है। अनुमान जो हमारा ट्रेड हो रहा था वो 10 करोड़ के लगभग था, लेकिन आज की तारीख में तकरीबन 30
30 करोड़ से ज़्यादा की देखिएगा क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 3,84,00,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी डिलीवर हैं, जो अपने आप में 12.70% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज रखती हैं, जो हमेशा हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन अपने आप में डिलीवरी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन चैन पर जाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको प्रॉपरली देखेगा पुट राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 50 और 45 पर भी देखेगा आपको अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी कॉल राइटर्स की, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा रहा है कॉल राइटर्स के द्वारा और देखिएगा लॉस बुक किया गया है हमारे देखिए जो पुट राइटर्स हैं। लेकिन आप अगर अभी भी सिचुएशन को देखेंगे तो देखिए अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 50 के स्ट्राइक पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, और देखिएगा यहाँ पर जो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी वो महज 26,000 से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी पुट राइटर्स की, लेकिन 50 के स्ट्राइक पर देखिएगा एक मैसिव कॉल की अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी 23 लाख से ज़्यादा, जो सीधे तौर पर आपको दिखाती है कि देखिए यहाँ पर कॉल राइटर्स को कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी पल देखिएगा यहाँ पर आपको तेजी देखने के लिए मिल सकती है, और ये सीधे तौर पर आपको इंडिकेट करता है कि देखिए 50 की जो स्ट्राइक है वो ज़्यादा दिन तक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती हुई नहीं दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो अपने आप में देखिएगा एक निवेशक को और देखिएगा उन लोगों को जो भी यस बैंक में एक बाइंग पोजीशन बनाना चाहते हैं उनका मनोबल तोड़ती ज़रूर है, क्योंकि देखिए जो 25 रुपये का टारगेट दिया गया है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, जो पहले भी कुछ ज़्यादा नहीं दिया था, उन्होंने पहले भी काफ़ी कम का टारगेट दिया था, अब यहाँ पर उन्होंने फिर से एक टारगेट रिव्यू करके दे दिया है एसेट क्वालिटी को लेकर, जो पहले बहुत समय से देखिएगा यस बैंक को लेकर परेशान करा जा रहा है। अब यहाँ पर एक एलिगेशंस और लग चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तम प्रकाश अग्रवाल साहब ने जो अपना रेजिग्नेशन दिया है उसको लेकर भी देखेगा गिल साहब की भी जो इमेज है उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ों को भी आपको देख के चलना है, क्योंकि उनके खिलाफ भी देखेगा फिट एंड प्रॉपर का जो रिव्यू चल रहा था उस चीज़ को भी आपको यहाँ पर समझना है। तो मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि देखिएगा मैनेजमेंट ही देखेगा कहीं ना कहीं यस बैंक को सही तरीके से रूल कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो शेयर होल्डर्स पहले बोर्ड्स में कई लोग बोर्ड में लेके आए थे बहुत सारे लोगों को, आज की तारीख में वो शेयर होल्डर यहाँ से गायब हो चुके हैं इस बैंक से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, यहाँ पर एक तरफा कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं क्योंकि फंड रेजिंग जो है वो कहीं ना कहीं देखेगा अब धुलमुल होती हुई दिखाई पड़ रही है, यहाँ फंड रेजिंग उस तरीके से होती हुई नज़र नहीं आ रही जिस तरीके से पहले देखेगा बवंडर बना हुआ था, तकरीबन $2 बिलियन के लगभग पैसा जुटाए जाने की जो बातें सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं देखेगा काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही हैं, जिस तरीके के फंड की ज़रूरत है यस बैंक को उतना फंड देखेगा बैंक में आता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन देखेगा जो अगला इनके पास एक बहुत सही स्टेप है देखेगा वो QIP होगा, और QIP में तकरीबन 1.5 महीने का अभी भी समय है, तो 1.5 से 2 महीने के लगभग देखेगा उससे पहले जितना भी पैसा जुटाने की यस बैंक कोशिश करेगा वहाँ पर देखेगा यस बैंक को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना अभी भी पड़ रहा है। तो देखिएगा ये एक अपने आप में काफ़ी समय है जहां आपको धीरज रखना पड़ेगा, उसी के साथ देखिएगा QIP के थ्रू ही जो यस बैंक पैसा जुटा पाएगा उसके बाद ही देखिएगा हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देखिए उसके बाद ही यस बैंक शायद अच्छा परफॉर्म कर सके। हालांकि जिस तरीके के भी एक्सपर्ट के व्यूज़ हैं अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो उनको भी लगता है कि क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों तक यस बैंक की परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत देखिएगा सुधार होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अभी वो सब चीज़ें हमको यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं, इससे भी देखिएगा हम मना नहीं कर सकते। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड का ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।